बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक होंगे जी। आज मैं आपके साथ एक और अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ लिफाफा पराठा। तो उसके लिए ये देखिए जी, मैंने ले लिया है चिकन, एक छोटा सा बाउल। ये चिकन बच्चे वैसे तो चिकन नगेट्स हो गए, चिकन फ्राइज हो गए, वो बड़े शौक से खाते होते हैं, लेकिन चिकन का सालन नहीं खाते। तो ये देखिए, उसमें से ये सालन में से बोटियाँ बची हुई थी, ये बोटियों को मैंने छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में काट लिया है। एक छोटा सा प्याज ले लिया, उसको इस तरह मैंने चॉप कर लिया है। बॉयल आलू है छोटा एक, उसको मैंने इस तरह काट लिया है। हरी मिर्च है एक अदर, थोड़ा सा टमाटर है, टमाटर आपके पास हो तो टमाटर, मेरे पास टमाटर नहीं था, टमाटर पेस्ट है, मैं इसमें से थोड़ा सा उसमें ऐड करूँगी। और एक मैंने ले लिया है हरे धनिया, इनको काट लिया। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और लिफाफा पराठा की स्टफिंग तैयार करते हैं। हाँ जी, कढ़ाई में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, इसलिए अब हम डालेंगे ये चॉप किए हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मजे का और बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है ये, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रमज़ान के महीने में बच्चे इफ्तार में रोटी नहीं खाते, तो आप इस तरह से ये बनाएं, क्योंकि रोटी भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, बाकी चीज़ों के अलावा रोटी भी खानी चाहिए। हम लोग बाकी चीज़ों तो बड़े शौक से खा लेते हैं, दही भले हो गए, समोसे पकोड़े हो गए, लेकिन रोटी को हम अवॉइड करते हैं। तो इसलिए ये है कि आप ये पराठा बनाएं, ठीक है, ये एक मज़ेदार सा इजाफा होगा आपके दस्तरखान पर, ठीक है जी। इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे प्याज को। हाँ जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, इसको मैंने रेशा रेशा करके रखा था। ये अभी हम मजीद इसको वो करेंगे, क्या नाम है, चम्मच के साथ इसका इस करते रहेंगे इसको। और इसके साथ मैं डाल दूंगी ये हमारे आलू जो बॉयल हुए हुए थे, ये डाल दिए। और इसके साथ ये हरी मिर्च मैंने ऐड कर दिया। हाँ जी, और ये जो टमाटर का पेस्ट है, आपके पास टमाटर है तो टमाटर डालें, मेरे पास सिर्फ टमाटर नहीं था, रमज़ान शरीफ का महीना है, तो इसमें मैं ये करती हूँ कि जो टमाटर आते हैं, सब्ज़ी आती है, उसको मैं एक ही दफ़ा बना के उसको रख देती हूँ। टमाटर को भी मैंने पेस्ट बना के रख दिया था, ये सारा पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का, और 1/2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी, और जी थोड़ा सा 1/2 चम्मच सूखा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम आधा चम्मच कसूरी मेथी, इसको इस तरह हाथ में मसल के मैं डाल दूंगी। और एंड में डालूंगी मैं ये हरा धनिया कटी हुई, और इसको अब हम बस हल्का सा फ्राई कर देंगे। ये देखिए जी, ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। तो अब इसको रख, इसका चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और बनाते हैं पराठे। हाँ जी, बिस्मिल्लाह, में आटा मैंने गूंद लिया, जैसे हम रूटीन में आटा गूंदते हैं वैसे गूंदना है, पेड़ा बना लिया है। और इसको अब हम बेल लेंगे, एक रोटी पूरी इसकी हम बना लेंगे इस तरह करके। हाँ जी, इस तरह हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए जी, रोटी हमारी बन गई है। अब इसके ऊपर हम करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी को हम इस तरह इसके ऊपर पूरा लगा देंगे। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं और ऑयल भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम हल्का सा इस तरह खुश्क आटा जो है वो हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे, और इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह हम ये देखिए फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मैंने ऐसे और बना के रखे हुए हैं, ये देखिए। अब हम इसको करेंगे साइड पे, बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा खुश्का इस पर डालेंगे, और इसको अब हम बेल लेंगे।
हाँ जी ये देखिए इस तरह करके हम इसका चौरस पराठा बेलेंगे। जैसे हमारा एंड में ये देखिए ना ये चौरस बना है, ऐसे ही हमने इसको चौरस बेलना है। ये देखिए ये हमारा चौरस हो चुका है और अब हम ये जो हमने स्टफिंग तैयार की थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठंडी हो चुकी है, इसको हम रखेंगे यहाँ पे इसके सेंटर में देखिए इस तरह। ये हमने रख दिए और अब हम करेंगे इसका ये वाला कोना पकड़ के हम इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, इधर वाले कोने को हम यहाँ पे ऐसे करेंगे और इधर ऐसे यहाँ पे ऐसे। हाँ जी ये देखिए इसको हाथ से हल्का हल्का करेंगे प्रेस, नीचे से थोड़ा सा और कुछ का डाल के इस तरह करके ये थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह थोड़ा सा हम इसको इस तरह बेल लेंगे ताकि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग रखी है वो सारी बैलेंस हो जाए। ये देखिए जी इस तरह बनाने के बाद अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ, इसको रखते हैं तवे पे बनने के लिए। हाँ जी तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही, अब मैंने इसको तवे पे रख दिया है। अब इसको चेंज करेंगे और लगाएंगे इस पे हम घी। दूसरी साइड चेंज करेंगे और अब हम इसको पका लेंगे। हाँ जी ये देखिए जी हमारा पराठा रेडी है, बहुत ही खूबसूरत लुक का ये, और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। हाँ जी ये देखिए जी हमारा लिफाफा पराठा रेडी है और अब हम इसको करेंगे कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह हम इसको फोर पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए और अब हम इसको करेंगे जी ये देखिए इस तरह हम इसमें इसको सजा देंगे। साथ में हम इसके रखेंगे चटनी। ये देखिए जी मज़ेदार से हमारे लिफाफा पराठा रेडी हैं। ये देखिए जी वाओ सारे के सारे जो जिसको भी खोल के देखेंगे ऐसे लिफाफे की सूरत में होंगे, बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी हमारा लिफाफा पराठा रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।